तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro के अंदर Google कैमरा की। जी हाँ, जिसको हम लोग जी कैम भी बोलते हैं। और आपको पता होगा कि Redmi Note 8 Pro जो है वो Helio प्रोसेसर के साथ आता है, MediaTek के, और जिसकी वजह से इसके अंदर लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर जी कैम नहीं आ सकता। बट दोस्तों कुछ भी आज के डेट में नामुमकिन नहीं है। तो एक बंदे ने इसका जो है गूगल कैमरा पोर्ट कर दिया है और उसका लिंक अब हमें मिल गया है। तो दोस्तों आज हम लोग बताने वाले हैं आपको वीडियो के अंदर कि जी कैम इसके अंदर कैसे यूज़ करें, और साथ ही साथ हम लोग आपको XML फाइल भी देंगे जिसके साथ अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज़ और इमेजेस खींचने वाले हैं आप इस फ़ोन के अंदर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे हम लोग गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। Hello friends, welcome to our YouTube channel. Please subscribe our channel for latest updates and don't forget to press the bell icon. दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टॉक कैमरा जो है इस फोन का काफी ज्यादा अमेजिंग है और इस स्टॉक कैमरा को कोई बीट नहीं कर सकता अगर मैं दूसरे पोर्टेड कैमरास की बात करूँ तो। बट गूगल कैमरा के अंदर देखना होगा कि गूगल कैमरा की क्या इस के स्टॉक कैमरा से ज़्यादा बेटर है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करेंगे गूगल कैमरा को इंस्टॉल और देखेंगे कि कैसा इंटरफेस हमें मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गूगल कैमरा के इंस्टॉल करने के लिए हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे जाके आप इस पोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा हमारा पोर्ट और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड करना, सबसे पुराने वर्जन को ना ही करना तो ज़्यादा बेटर होगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो जितना लेटेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपको स्टेबल मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट वर्जन मैं जो ले रहा हूँ इसका वो है 4 तारीख का, जो कि है 4 नवंबर का। तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हो सकता है दोस्तों जब तक मैं आपको इस वीडियो को अपलोड करूँ तब तक और भी वर्जन आ चुके हों। तो दोस्तों आप लोग जो है लेटेस्ट वर्जन को भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इफ इन केस मुझे कोई और भी अच्छा वर्जन मिलेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों जब तक ये डाउनलोड हो रहा है साथ ही साथ हम लोग इसको बैक करके इसका XML भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका XML हमारा जो है डाउनलोड हो चुका है और दोनों ही हमारी जो चीज़ें हैं हमारी डाउनलोड हो चुकी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है APK को इंस्टॉल करना है। APK को इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मल सा जो प्रोसेस है हमें वही करना है, और हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों जब तक ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो रही है तब तक आप हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आपका एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है XML को इंस्टॉल करना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है XML इंस्टॉल करने के लिए, हमें फाइल मैनेजर के जाना है और फाइल मैनेजर के अंदर जाके हमें एक फोल्डर बनाना है अगर वहाँ पे पहले से नहीं है। तो उस फोल्डर का नाम होगा दोस्तों GCAM, और GCAM हम लोग फोल्डर यहाँ पे एक बना देंगे। तो दोस्तों जी कैम के अंदर जी और सी जो रहेगा वो आपका कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया है। तो दोस्तों जी कैम फोल्डर बनाने के बाद आपको एक और फोल्डर बनाना है वहां पे कॉन्फिक्स के नाम से, जिसका नाम CONFIGS रहेगा, सी जो है छोटा रहेगा। अब यहाँ पे आपको जो है फाइल को मूव करा लेना है अपनी XML फाइल को। तो दोस्तों XML फाइल को मूव कराने के लिए डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ पे इसको फटाफट से मूव कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैमरा को खोलेंगे वापस जी कैम को, और जी कैम के अंदर हम लोग यहाँ पे शटर के पास में डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आ गई आपकी वही फाइल और यहाँ पे आपको कर लेना है रिस्टोर। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी अब वो जो फाइल है वो रिस्टोर हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ आपको क्या यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो है वीडियो, जैसे आप वीडियो को यूज़ करने की कोशिश करेंगे वो क्रैश हो जाएगी फाइल। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर ये जो सारी सेटिंग्स हैं ये कॉन्फिग फाइल से उठाई गई हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा अच्छी सेटिंग्स पता है तो आप उसको सेटिंग्स का यूज़ करके अपने फ़ोन को कैमरे को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि Redmi Note 8 Pro के अंदर गूगल कैमरा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे गूगल कैमरा को स्टॉक कैमरे से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।